हेलो गाइस, ये है लीची का पेड़ और ये है आम का जो कि मेरे ससुर ने मुझे गिफ्ट दिया हुआ है। और ये जो लीची वाला है ये मेरी सास ने, और ये और एक आम है जो कि ये मेरे छोटे साले ने गिफ्ट दिया है मुझे। तो ये तीनों पेड़ मैं लगाने जा रहा हूँ मेरे यहाँ के आंगन में। आंगन नहीं बोलेंगे, आंगन बनाने में टाइम है लेकिन यही लगाएंगे। इसमें से एक आम का पेड़ है जो साल में 2 बार फलता है। अभी कौन सा है वो थोड़ा कन्फ्यूजन है, जिस वक्त 2 बार फलेगा वो समझ में आ जाएगा कौन सा 2 बार फलता है। तो अभी इसको लगाने का प्रोसेस चलेगा। और ये है आंगनवाड़ी से मिला हुआ फनस का झाड़ जो कि मोदी ने दिया हुआ है, जो एक पेड़ माँ के नाम पे जो ऐड आ रहा है। तो ये मैंने फनस का उठा के लाया क्योंकि मेरी मम्मी को फनस बहुत पसंद है, जहाँ दिखेगा जंगल में वहाँ से उठा के लेके आ जाती है। तो यहाँ पे अभी खड्डा किया जा रहा है आम पेड़, लीची पेड़ और ये फनस का कटहल का लगाने के लिए। गाइस, थोड़ा सा मेरे ससुर ने बोला ये डालना है इसलिए थोड़ा सा डाल रहे ताकि नीचे जड़ के पास इसकी जड़ को मतलब कुछ कीड़े मकोड़े खा ना पाए। हालांकि मेरे को डर लग रहा है कि झाड़ को ही नुकसान ना हो, और मैंने डिसाइड किया यहाँ पे बीच में लीची लगाने का। फलेगा तो यहाँ पे मस्त कुर्सी उर्ची लगा के शाम के टाइम में चाय पानी पीने के लिए। देखते 5 साल बाद। अभी तो यहाँ पे कहा जाता है कि बच्चे को गोदी करेंगे और उसके पापा लगाएंगे तो पेड़ अच्छा फलता है। तो अभी बब्बू को इसके पापा गोदी करेंगे और फिर पेड़ लगाएंगे। बस 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 वो बांधे ला को करना पड़ेगा ना, उसके हाथ का खाना तो छोड़ना, बोलो उसको। नहीं गिरोगे? ऐसे पकड़ो ना, कैसे पकड़ते हो ऐसे? पकड़। अरे वाह, पकड़ अच्छे से मेरे को। फाइनली ये लीची का पेड़ लग गया है बब्बू के पप्पा के द्वारा और बब्बू खुश है। कितने साल बाद खाएंगे बब्बू? नहीं खाओगे? 20 साल बाद। कितने साल बाद? 20 साल। तो गाइस, ये अभी आम का लगाएंगे पास में ही, हालांकि ज़्यादा डिस्टेंट नहीं है लेकिन 5 साल में क्या होता है देखते। अच्छा खासा बड़ा तो यहाँ से उखाड़ के कहीं और लगाएंगे। उसको समझ में आ गया क्या करने का। ऑलरेडी कॉकरोच इसके लिए थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है। तो गाइज, आम का डंडा बहुत पतला है तो एक अलग से डंडा लगा के बांध रहे अभी। अब बचे 2 पेड़, ये आम का और एक ये लीची का। तब लीची का कहाँ लगाया जाए सोच रहे, हालांकि पूरा जंगल हो गया है तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा कहाँ लगाए। तो गाइज, इसके वजह से हमको वो क्या बोलते हैं, फगली दाढ़ की कुछ तो बोलते हैं, ये पाउडर इसके वजह से लगाना था, ये जड़ को खा ना जाए। चीटी का हुआ है।
खाद भी डालना पड़ेगा। तो अपनी ये फनस की लग गई है, यानी कटहल। तो बब्बू कैसा लग रहा है? नहीं आ रही मजा? जाओ फिर जेसीबी को तोड़ो, जाके घर के अंदर तोड़ो, उसमें मजा आता है ना? नहीं आता है। फिर किस में मजा आता है बताओ, किस में आता है? गाइस अभी एक लास्ट आम का झाड़ बचा है, उसको लगाने का प्रोसेस। अब ये फाइनल पेड़ लग रहा है, बब्बू बहुत ही खुश है। डंडा दे तो साथ में ही गाड़ देंगे। हाँ इधर उतर रहे तू रीति रिवाज के चक्कर में बाबू बड़ा मजा ले रहा है। चलो हो गया।